राम राम मित्रों, भारत जैसे विविध प्रकार के भौगोलिक संरचना वाले देश में कीमती खनन मिलना देशवासियों के लिए खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित सलाल गांव में 59 लाख टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की गई है। लिथियम एक बहुमूल्य खनिज है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन, लैपटॉप और रिचार्जेबल बैटरियों को बनाने में किया जाता है। वर्ष 2018 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की एक टीम ने विभिन्न खनिजों की पहचान के लिए नमूने एकत्रित करने के लिए सलाल पहुंची, जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक गाँव है। टीम जम्मू से 77 किलोमीटर दूर सलाल में अनुसंधान, जांच तथा प्रोसेसिंग के लिए नमूने एकत्रित करती रही। इसके बाद खनन मंत्रालय ने 9 फरवरी को दावा किया कि उसने इस गांव में 59 लाख टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की थी। इस खोज के बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार होगा। दोस्तों, सलाल गांव में लिथियम भंडार का संकेत पहली बार 1990 में मिला था, जब भूवैज्ञानिकों ने रियासी जिले में, जो उस समय उधमपुर जिले का एक भाग था, वहाँ आशाजनक संकेत देखे और आगे और खोज जारी रखने का प्रस्ताव रखा। तब लिथियम की बहुत कम डिमांड के कारण सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई होगी, या फिर लाल फीताशाही के कारण फाइल सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटती रही। खैर, जो भी हो, इस खोज के साथ ही अब भारत की लिथियम के लिए दूसरे देशों जैसे चीन और ऑस्ट्रेलिया पर निर्भरता कम हो जाएगी। इससे पहले वर्ष 2021 में भी लिथियम के छोटे भंडार पाए गए थे, किंतु रियासी में इस विशाल भंडार की बैटरी उत्पादन योजनाओं के लिए वरदान सिद्ध होगी। और यह भंडार भारत को तब मिला जब भारत को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।